छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर गौरेला पेंड्रा मरवाही को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी उपस्थित रहे। धरना के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने बैरिकेड्स लगाए थे, जिससे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने में सफल नहीं हो सके। जनता कांग्रेस ने अपनी मांगों में मुख्य रूप से खेती के समय किसानों के लिए खाद की कमी, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को मुआवजा, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनने के बाद दुर्घटनाओं को रोकने बाईपास की मांग जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। हम लोगों ने सरकार को जगाने का काम किया है। जिले की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर आज प्रशासन को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है। जो व्यापक भ्रष्टाचार हो रखा है उसको बंद करने के लिए, जो लगातार रोज 10 घंटे 12 घंटे बिजली की अवैध कटौती की जा रही है उसको रोकने के लिए, जो गुणवत्ता विहीन खाद दी जा रही है वर्मी कंपोस्ट के नाम पर उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, लोगों को जो अभी खाद के लिए काला बाजार से 200 रुपये की यूरिया को 600-700 रुपये में लेने को मजबूर होना पड़ रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, और अन्य जो जिले से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से बल प्रयोग कर रही है, क्या मानते हैं, क्या देखते हैं ऐसे बल प्रयोग को? पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। 15 दिन में समाहित ज्ञापन है और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम की तरफ से मौजूद ज्ञापन वर्ग संबंधित ज्ञापन को माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रेषित कर दिया।